बैठमा क्षेत्र में धूमधाम के साथ 75वें स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान शासकीय और अशासकीय कार्यालयों सहित पार्टी कार्यालय पर ध्वजारोहण किया गया। साथ ही बैठमा उप तहसील कार्यालय और थाना परिसर में वृक्षारोपण किया गया। स्वतंत्रता दिवस के 75वीं वर्षगांठ पर आजादी के अमृत महोत्सव में सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तहसील कार्यालय पर नायब तहसीलदार नीरज प्रजापति और थाना परिसर में सहायक उप निरीक्षक बिहारी सावले ने झंडावंदन किया। इसके साथ ही नगर परिषद, अंबेडकर चौराहा, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल सहित समस्त शासकीय और अशासकीय कार्यालयों पर भी झंडावंदन किया गया। तहसील कार्यालय परिसर व थाना परिसर में अधिकारियों द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। एकेडमी के छात्रों द्वारा झंडावंदन के पश्चात अंबेडकर चौराहे से नगर में रैली निकाली गई। रैली में सेना में जाने की तैयारी कर रही बालिका दिव्यांशी ने राष्ट्र ध्वज तिरंगे को हाथ में थामे हुए था। यह रैली समीपस्थ ग्राम पीर पिपलिया स्थित शहीद मोहनलाल सुनैर की प्रतिमा स्थल पहुंची, जहां शहीद की प्रतिमा के चरणों में मत्था टेक ग्रेट सैल्यूट सलामी दी व स्वच्छता अभियान चलाकर प्रतिमा स्थल के आसपास सफाई की। बैठमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब। जय हिंद जय भारत। मैं दिव्यांशी तरुण नाथ बैठमा से। हमारे देश में जो लड़कियां हैं उन्हें इम्पोर्टेंस बहुत कम दी जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी लड़कियां जो आर्मी में जाना चाहती है वो डीमोटिवेट हो जाती है। और मुझे, मैं इंस्पायर हुई हूँ, मेरे जो भैया है वो आर्मी की ट्रेनिंग कर रहे थे और मतलब उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करा आर्मी में जाने के लिए। मेरे जो सर हैं जो मुझे पूरी ट्रेनिंग दे रहे हैं, हमारी एकेडमी का नाम है पी एस एकेडमी, और जो मेरे सर हैं उनका नाम है पंकज सिंह यादव। मेरा भाई चनु और हमारी जो हॉकी टीम अभी रिसेंटली जो ओलंपिक हुए हैं उसमें उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया है, जिसकी मदद से मैं इंडियन आर्मी में जाने की तैयारी कर रही हूँ। आप लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगी इस बारे में? मैं हमारे देश की लड़कियों को यह संदेश देना चाहती हूँ कि वो हमारे देश के लिए आगे बढ़ सकती है, उन्हें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है और आप लोगों को पूरा सपोर्ट करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बनाऊंगा, मैं अपने नगर को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाऊंगा। मैं शपथ लेता हूं कि नगर, प्रदेश एवं देश को। आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सभी बैठमा नगरवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज के उपलक्ष्य में सब अपनी जो है जितनी भी उपलब्धियाँ हैं वो हासिल करें और ऐसे ही हर साल जो है आज़ादी का जश्न सब साथ मिलकर मनाते रहें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।